हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज का खास वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो विशेष करके पीसी यूज़र है और कंप्यूटर है वो यूज़ करते हैं। तो जब आप एक पीसी यूज़र है और कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो मोस्टली आप वो वाईफाई के लिए राउटर है वो यूज़ करते हो नेट के लिए। तो कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम लोग अपने राउटर के पासवर्ड है वो भूल जाते हैं, और पासवर्ड को वापस रीसेट कैसे करें और नया पासवर्ड है वो कैसे क्रिएट करें। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है वो आपके माइंड के अंदर आते होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाला हूँ कि यदि आप वाईफाई के जो राउटर यूज़ करते हो उसके अंदर कभी इन फ्यूचर आप कभी पासवर्ड भूल जाते हो और उसके अंदर पासवर्ड है वो नया क्रिएट करना चाहते हो, पीछे एक जो भी पासवर्ड है वो आप भूल चुके हो और नया पासवर्ड है वो क्रिएट करना चाहते हो, तो मैं आज के इस वीडियो के अंदर यही सब बताने वाला हूँ। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखें, तभी आप वो सीख पाओगे। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो वो शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि कैसे हम लोग राउटर के पासवर्ड है उसको रीसेट करेंगे और नया पासवर्ड है वो कैसे क्रिएट करेंगे। और वाईफाई को आप क्या नाम देना चाहते हो, जैसे आपके मोबाइल से आप सर्च करोगे तो जो राउटर का वाईफाई आता है उसको आप जो भी अपने हिसाब से नाम देना चाहते हो वो आप नाम भी दे सकते हो कैसे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही सब बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और सीखते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो इसका वो गलत उपयोग बिल्कुल नहीं करें। ये सिर्फ आप अपने राउटर के अंदर पासवर्ड है वो रीसेट कर सकते हो, ऐसे नहीं आप कहीं भी जाते हो और वहाँ पर आपको पासवर्ड पता नहीं है तब आप उसके राउटर से वो छेड़खानी करो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ताकि आपको नॉलेज मिल सके कि इस प्रकार आप अपने राउटर के अंदर है वो पासवर्ड है वो रीसेट कर सकते हो, तो इसका गलत उपयोग है वो बिल्कुल नहीं करें। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो मेरे सामने ये राउटर है और मुझे इसके पासवर्ड है वो रीसेट करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस राउटर को आप फोल्ड करोगे तब इसके पीछे आपको एक बटन दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये रहा। यदि आप पहले से अपने पीसी के अंदर यूज़ कर रहे हो, यदि पासवर्ड है वो भूल चुके हो, तो इस बटन को है वो कुछ देर के लिए दबाए हुए रखना है। जैसे आप दबाए हुए रखोगे तो ये जो है वो रीसेट हो जाएगा पूरा का पूरा जो कंपनी से आता है। तो इसके पासवर्ड यदि आप राउटर के भूल जाओ तब इस कंडीशन के अंदर इस बटन को है वो हमें प्रेस किए हुए रखना है। तो मेरे पास ये इस ब्रांड का है जो राउटर है, यदि आपके पास अलग जो ब्रांड का हो तो उसमें ये बटन कहीं और पे होगा, मेरे वाले पे नहीं। तो कोई ज़रूरी नहीं आप जो राउटर यूज़ करते हो उसमें भी जो ये रीसेट वाला बटन हो वो वहीं पे हो, तो इस बात को थोड़ा सा गौर करके देख लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली अपने पीसी के अंदर जाना है और आपको यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करके देखोगे तो यहाँ पे IPS एड्रेस है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये IPS एड्रेस है वो हम लोग अपने पीसी के अंदर डालेंगे। जैसे पीसी के अंदर डालेंगे तो हमारे से पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड इसके अंदर दे रखा है एडमिन नाम से पासवर्ड है। तो आपके पास जो राउटर है उसके अंदर IPS एड्रेस है वो अलग होगा, मेरे अंदर जो राउटर है उसका IPS एड्रेस है वो अलग है। तो अब कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या करना है वो भी मैं आपको पूरा बताऊँगा, लेकिन इस बात को ध्यान रहे कि आपको यहाँ पर जो ये चीज़ है इसका विशेष करके वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग है वो नेक्स्ट चीज़ पे बात करते हैं कि हमें क्या करना है। हमें IPS एड्रेस और पासवर्ड है वो हमें ध्यान में रखना है कि एडमिन नाम से पासवर्ड है। जब उस बटन को हम लोग है वो इस बटन को हम लोग प्रेस करेंगे कुछ देर के लिए तो रीसेट हो जाएगा, तब ये IPS एड्रेस डाल के ये पासवर्ड डाल के हम लोग इसमें वाईफाई का नाम देंगे नया, और वाईफाई के पासवर्ड है वो भी चेंज करेंगे या नए क्रिएट करेंगे। कैसे, तो इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो अब चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि इस IPS एड्रेस को डाल के हम लोग कैसे पासवर्ड है वो सेट करेंगे। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको लैन केबल है वो कनेक्टेड कर लेनी है अपने पीसी से। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्राउज़र के अंदर जाना है और आपका जो IPS एड्रेस है वो यहाँ पे डालना है। तो IPS एड्रेस था 192.168.1 और इस पे आपको प्रेस कर देना है। तो ऑलरेडी मैं पहले से ही एडमिन पासवर्ड है वो लगा चुका हूँ, लेकिन जब आप फर्स्ट बार ओपन करोगे तो आपको वो एडमिन पासवर्ड है वो लगाना है।
अब मैं आऊँगा वायरलेस सेटिंग के अंदर। तो यहाँ पे आपको वाईफाई का नाम देना है, जो आपका वाईफाई है उसको नाम देके यहाँ पे सेव कर देना है। तो मैंने ऑलरेडी ये वो वाईफाई का नाम दिया हुआ है और आपको यहाँ पे देके सेव करना है। बाकी एज टेज जो सेटिंग है वो सेम टू सेम रखनी है। उसके बाद आना आपको वायरलेस के अंदर। आने के बाद में आपको यहाँ पे वायरलेस सिक्योरिटी के अंदर आना है और यहाँ पे आप जो भी पासवर्ड देना चाहते हो इसमें आप चेंज भी कर सकते हो कि आप किस टाइप से पासवर्ड है वो सेट करना चाहते हो। तो आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। यहाँ पे जो भी आपको पासवर्ड लगाना है वो पासवर्ड है वो वाईफाई के लिए लगा के यहाँ पे सेव करना है लास्ट में। तो ये सारा है वो सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी वाईफाई के राउटर के पासवर्ड है वो चेंज कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने राउटर के पासवर्ड है वो रीसेट कर सकते हो और नया पासवर्ड है वो क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट करें, उस पर नेक्स्ट वीडियो है वो मैं बनाऊँगा। तो बने रहिए टेक्निकल दोस्त इंडिया के साथ।